हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया। और इसी के साथ साथ मैं आज आपको बताना चाहूँगी, आज जो मैं लुक ट्राई करूँगी वो है ब्राउन मेकअप का, ठीक है। सो गाइस, आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं। सो गाइज, जब भी हम कोई भी मेकअप ट्राई करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मैं B3 प्लस का एडवांस लोशन है, फेयरनेस लोशन, ठीक है। इसमें सीरम भी इंक्लूड होता है, तो आप ये अगर डेली बेस पे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इवन ये आपके फेस की टैनिंग रिमूव करेगा अगर आप इसे डेली बेस पे भी इस लोशन को यूज़ करते हैं। मैं इसे डेली बेस पे ही यूज़ करती हूँ, कभी भी मुझे बाहर जाना होता है तो आप भी ये सेम एक्टिविटी आप अप्लाई कीजिएगा। आपका डार्क स्पॉट्स है आप वो चीज़ें आप कवर कर लीजिए कंसीलर से। गाइज, अब मैं आई मेकअप करूँगी, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिएगा, और आप कोई भी ब्राउन शेड अपने फेस के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। और गाइस,
देखिए, गाइज अब मैं लेकमी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, SP8, SPF 8+ है ये। इनविजिबल फिनिशिंग है, नेचुरल कलर है, आप इसे डेली बेस पे भी अगर आप थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं तो भी इतना इश्यू नहीं होगा आपको यूज़ करने में। ईजिली स्किन पे मर्ज हो जाता है ये, तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे से मैंने और भी ट्राई करे हैं तो पैचेस हो जाते हैं। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं, ये लिक्विड फाउंडेशन है तो इससे आपके फेस पे पैचेस नहीं होंगे अगर आपने इसे सही से ब्लेंड किया है।
आई एफ ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ये भी ब्लू हेवन का ही है। ठीक है, ये भी हुडा का है और लिक्विड मैट है ब्राउन कलर। गाइस फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है और जैसे मैंने सोचा था उससे लाख गुना बेटर मुझे लग रहा है। ठीक है, सो आप भी इस एक्टिविटी को फॉलो कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।